हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के। तो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दूँ कि मतलब जो लास्ट लेक्चर में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, तो गाइस उस लेक्चर में हम बात कर चुके थे इंट्रोडक्शन की कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन क्या होती है। फिर बात की थी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस की, मतलब कि बेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि हम उसको यूज़ कर सके एज अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में उसको यूज़ कर सके। और फिर गाइस हमने बात की थी एग्जाम्पल्स की, तो गाइस उसी एग्जाम्पल को आज हमको क्लासीफाई किया गया है प्रॉपर, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में हमको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया 5 टाइप में। जैसे यहाँ पे हमारी क्रीम है, पेस्ट है, ऑइंटमेंट है, पॉलिसीज है और जेल्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, वन बाय वन हम उनको ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीम्स की। जैसे आपको बता दूं कि रोजमर्रा जिंदगी में हम यूज़ करते हैं क्रीम, जैसे हमारे जो सिस्टर्स और मदर्स यूज़ करते हैं, फरलेवली वगैरह यूज़ करते हैं और विकोट्रामेरिक वगैरह यूज़ करते हैं, एंड जो हमारी यूथ जनरेशन है वो यूज़ करती है, जैसे फेयर एंड हैंडसम यूज़ करते हैं, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ क्रीम अवेलेबल इन द मार्केट। तो गाइस, उसी क्रीम के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं ये क्या कहता है कि क्रीम्स आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। इसने क्या कहा, जो क्रीम्स है हमारे, क्या है वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। फिर इसने क्या कहा, इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल स्किन, मतलब क्या कहते हैं एक्सटर्नल यूज के, मतलब ये मतलब एक्सटर्नल जो स्किन होती है उसको अप्लाई करते हैं हम, एक्सटर्नल की जो हमारी एक्सटर्नल सुपरफिशियल स्किन होती है वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। तो गाइस, फिर इसने क्या कहा है कि क्रीम आर विस्कस एंड सेमी सॉलिड होती है। इसने क्या कहा, जो हमारी क्रीम है वो क्या है, वो विस्कस है और सेमी सॉलिड है। मतलब क्या है, विस्कस है और सेमी सॉलिड है। एंड यूजुअली, और क्या वो यूजुअली क्या क्या हो सकती है, इसने क्या है, यो ऑयल इन वाटर इमल्शंस हो सकता है या वाटर इन ऑयल इमल्शंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने दो इमल्शंस की बात की है, वाटर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शंस की बात की है। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में हम जानते हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं आइए। तो इसने कहा है ऑयल इन वाटर इमल्शंस, इसने क्या कहा कि ऑयल इन वाटर इमल्शंस, यानी जो हमारा यहाँ पे जो हमारा वाटर कंटेंट है वो क्या है, यहाँ पे वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, और जो हमारा ऑयल फेज है वो क्या है, हमारे यहाँ डिस्पर्स फेज है। तो जो हमारा डिस्पर्स फेज है यानी ऑयल है वो क्या है, वो डिजोल्व हो रहा है किसमें, हमारे डिस्पर्जन मीडियम में यानी वाटर कंटेंट में। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसीलिए इसको एक्वस कहा गया है, यानी वाटर कंटेंट आ गया तो इसलिए इसको एक्वस क्रीम कहा गया है। फिर बात करते हैं वाटर इन ऑयल में, तो वाटर इन ऑयल में इसने क्या कहा है, जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है, ऑयल है, और जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो वाटर है। तो हमारा डिस्पर्स फेज यानी वाटर हमारा डिजोल्व होगा हमारे डिस्पर्जन मीडियम में यानी ऑयल में, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको ऑयली क्रीम कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी बात हमारे इमल्शंस के बारे में। तो गाइस, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे एग्जांपल अब यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने सर्दियों में यूज़ करते हैं, हमारी जो स्किन है ब्रेक हो जाती है, फट जाती है, नॉर्मल भाषा में कहते हैं, तो उसको इसको सूथिंग करने के लिए, इसको स्मूथ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कोल्ड क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, एंड हम कभी कभी वेनेसिंग क्रीम भी यूज़ करते हैं अपनी स्किन को शाइन करने के लिए। तो उसी क्रीम के बारे में हम यहाँ पे उसका एग्जांपल हमने दिया है कोल्ड क्रीम का। तो गाइस, अब बात करते हैं हम जेल्स की। जेल्स के बारे में बता दूँ आपको कि हमारा जो जेल्स हम यूज़ करते हैं, ऐसे हमारी जो यूथ जनरेशन है अपने बालों को सेटिंग वगैरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं, अपने जेल यूज़ करते हैं, वैक्सीज वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसी जेल के बारे में यूज़ करते हैं। और कभी कभी जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, कभी कहीं पैर में चोट आ जाती है, मोच वगैरह आ जाती है, तो उसका डिसाइड आपको जेल प्रेफर करते हैं, तो उसी जेल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो गाइस, उसने क्या कहा है कि ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और ट्रांसलूसेंट फॉर्म होती है हमारी, क्या ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं और ट्रांसलूसेंट फॉर्म हो सकती है। तो इसने क्या कहा है, और ये क्या है कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है हमारी, क्या है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, और क्या है ये सॉलिड प्रिपरेशन भी हो सकती है। फिर इसने कहा कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन और डिस्पर्जन, इसने क्या कहा ये सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकता है, डिस्पर्जन फॉर्म में हो सकता है। फिर इसने क्या कहा वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसने कहा जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी API है वो क्या होगा, वो हमारा इन सुटेबल, वो क्या होगा डिसोल्व होगा हमारे सुटेबल किसमें, हाइड्रोफिलिक बेस में या हाइड्रोफोबिक बेस में। तो गाइस, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोफिलिक का।
हाइड्रोफिलिक का मतलब जैसे यहाँ पे हाइड्रो, इन दो टर्म से मिलकर के बना है, हाइड्रो और फिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर कंटेंट, और जैसे फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी ये वाटर लविंग होती है। और जो हमारा हाइड्रोफोबिक, यानी हाइड्रो का मीन्स मतलब वाटर और फोबिक मतलब हेटेड, तो ये क्या, ये वाटर हेटेड बेस होता है हमारा। तो गाइस अगर हमारा जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है अगर वो पोलर फॉर्म में है, यानी अगर तो जैसे ये क्या है, ये वाटर लविंग है तो गाइस पोलर हो गया है। तो अगर जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा अगर वो पोलर फॉर्म में है तो ज्यादा डिसोल्व होगा हमारे हाइड्रोफिलिक में, अगर वो नॉन पोलर फॉर्म है तो ज्यादा डिसोल्व होगा हमारे हाइड्रोफोबिक में। तो गाइस इसी टाइप के बेसिस हम यूज करते हैं अपने जेल्स वगैरह में। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे हेयर जेल यूज करते हैं आप, हेयर जेल का एग्जाम्पल एक बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे उसका, हेयर जेल जो वैक्सेस वगैरह यूज करते हैं, तो वही उसकी जेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस अब बात करते हैं हम ऑइंटमेंट की, ऑइंटमेंट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जो ऑइंटमेंट के लिए बता दूं आपको, जो ऑइंटमेंट होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वो भी एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, और वो क्या करती है, इंटेंडेड टू अडहेयर टू द स्किन, और क्या करते हैं इनको हम स्किन पे अडहेयर करते हैं, चिपकाते हैं या फैलाते हैं उसको। फिर इसने क्या कहा, वो किसी स्किन पे उसको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, या किसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जैसे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे ट्रैक में, तो उसको हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड दे आर यूजुअली सॉल्यूशन और डिस्पर्जन, इसने कहा ये भी क्या होते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके और डिस्पर्जन हो सकते हैं। फिर इसने क्या कहा इसके अंदर कि वन और मोर मेडिकामेंट, इसने कहा कि एक या एक से ज्यादा जो हमारे मेडिकामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं हमारे नॉन एक्वस मीडियम में, यानी नॉन एक्वस बेस में। तो नॉन एक्वस बेस का मतलब यहाँ पे क्या है गाइस, इसको भी जानना जरूरी है नॉन एक्वस का मतलब। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि जो हमारा वाटर कंटेंट है यहाँ पे इसमें, तो इसलिए इसको क्या गया, इसको एक्वस क्या गया, तो यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट नहीं होगा इसलिए इसको नॉन एक्वस कहा गया है, मतलब विदाउट वाटर कंटेंट, तो इसलिए क्या कहा इसको नॉन एक्वस फॉर्म कहा गया। तो गाइस इसका एग्जांपल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे ऑइंटमेंट एग्जांपल दे सकते हैं आप यहाँ पे पेट्रोल टर्म जेली आती है उसको यूज करते हैं हम यहाँ पे, जैसे पेट्रोल टर्म जेली, तो ये एग्जांपल है हमारा पेट्रोलियम का। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पेस्ट की, तो गाइस मैं इसको क्रीम को रफ करता हूँ और बात करेंगे पेस्ट की, या फिर बात करेंगे हम पॉलिटिक्स की। तो आइए गाइस, तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम पेस्ट की। पेस्ट क्या कहते हैं, जो जैसे आप हमारे जो हम हमारी रोज की रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं, अपना स्टार्टिंग करते हैं, अपनी जो मॉर्निंग स्टार्टिंग करते हैं ब्रशिंग से यूज करते हैं, तो ब्रशिंग के साथ हम अपना पेस्ट यूज करते हैं। तो गाइस उसी पेस्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसने क्या कहा है कि पेस्ट आर मच स्टीफर देन ऑइंटमेंट, इसने कहा जो हमारे पेस्ट होते हैं वो ज्यादा स्टीफर होते हैं, थोड़े गाढ़े होते हैं देन ऑइंटमेंट, एंड आर यूज्ड प्रिंसिपली, और क्या उनको यूज किया जाता है प्रिंसिपली एज एब्जॉर्बेंट, एंटीसेप्टिक एंड प्रोटेक्टिव, क्या प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और टू सूथ, और क्या सूथ करने के लिए, मतलब स्मूथ बनाने के लिए ब्रोकन स्किन, जो हमारी स्किन फट जाती है कभी कभी वहां पे हम कुछ पेस्ट वहां पे भी यूज करते हैं हम, तो उनको स्किन को स्मूथिंग करने के लिए भी हम यूज करते हैं अपने पेस्ट का। तो इसने क्या कहा स्किन सर्विस पे, एंड दे आर ऑफन अप्लाइड थिक ऑन ड्रेसिंग, इसने क्या कहा ये क्या कभी कभी जब ड्रेसिंग करते हैं पट्टी वगैरह कैसे, जैसे कर पट्टी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो जब उसको अप्लाई करते हैं तो वहां पे उसकी क्या थिक लेयर बनाते हैं हम किसकी अपने पेस्ट की, एंड देन स्प्रेड ऑन स्किन, मतलब स्किन पे स्प्रेड करने की बजाय हम उसको क्या करते हैं एक थिक लेयर बना देते हैं ड्रेसिंग के दौरान किसकी पेस्ट की। तो गाइस ये पेस्ट हो गया हमारे, ये हमने बात की है पेस्ट की। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे पेस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे आप कोलगेट का एग्जांपल यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोलगेट का एग्जांपल यूज कर सकते हैं, कुछ सेंसोडेंट का एग्जांपल यूज कर, तो सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ पेस्ट। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने पॉलिटिसिस की, मतलब पॉलिटिसिस क्या होती है। तो फ्रेंड्स जो पॉलिटिसिस होते हैं उनके बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं इनके बारे में। तो गाइस हमारे जो पॉलिटिसिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी एक बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री है। तो बात करते हैं जो हमारे पॉलिटिसिस होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेजिटेबल ऑयल्स की जरूरत पड़ती है, उसमें हम क्ले का मिक्सअप यूज़ करते हैं क्ले वगैरह, और ये क्या होते हैं जो कभी कभी जब इनको हम यूज़ करते हैं तो हम इनको हीट करने की जरूरत पड़ती है कि ताकि हम उनको हीट करें ताकि वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए हमारी स्किन पे। तो अब तो हम जो पॉलिटिसिस है वो यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी इसका एक एग्जाम्पल आता है, कॉमन एग्जाम्पल इसका जो बहुत ही, इसका नाम है कॉलिन, एक कॉलिन का पॉलिटिसिस आता है, कॉलिन पॉलिटिसिस बीपी के नाम से आता है, जो हमारे एग्जाम्पल है किसका पॉलिटिस का। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आज के टॉपिक के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल सेमी सॉलिड फॉर्म। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के आप मस्त रहिए। तो गाइस एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी डिफिकल्टी, तो यू कैन कमेंट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।